तो एग्जांपल लिख रहे हैं, एग्जांपल कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी, एबी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए पहला एग्जांपल ए ये है, बी ये है, इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, सीरीज है क्या, पैरेलल है, सोचिए। अरे सीरीज है, क्यों सीरीज है, देखो सोचो, दिमाग में ठूसो, समझो, पाइप है तीन जुड़े हुए, यहां से पानी भेजो, क्या सेम पानी बाहर निकला, सेम पानी बाहर निकला ना, सीरीज में करंट सेम, करंट सेम सीरीज में है, क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस आर ए बी, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये आर प्लस आर प्लस आर मीन्स थ्री आर, खत्म। तो बहुत इजी सा आपके क्वेश्चन हो गया ये वाला क्वेश्चन, ए बी का रोस निकालना है, ए यहां पर है बी यहां पर है, क्या यहां करंट सेम है, अगर ए से कोई पानी जाएगा या करंट जाएगा तो बटेगा नहीं बटेगा, देखिए ये गया ऐसे तीन जगह बट गया, तो इसका मतलब करंट सेम नहीं है, करंट सेम नहीं है इसका मतलब ये पैरेलल में होने चाहिए, उसके लिए देखो कंडीशन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो इसका अक्रॉस ए बी, इसके अक्रॉस भी ए बी वोल्टेज, इसके अक्रॉस भी ए बी वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है 10 वोल्ट 20 वोल्ट, तो वोल्टेज सेम यानी पैरेलल, पैरेलल का फॉर्मूला 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 1 1 1 1 3 अपॉन आर, मींस आर ए बी कितना आ गया आर बाय 3 यूनिट ओम, यूनिट ओम तीसरा एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिएगा, ए बी के क्रॉस निकालना है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं, तीसरा एग्जांपल है ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो कुछ कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा तीसरा वाला, देखिए ए और बी के क्रॉस निकालना है, ए और बी के क्रॉस जाने के रास्ते देखो, एक तो ये रास्ता सीधे सीधे ए से बी ग्रीन वाला, एक ए से बी जाने का सही वाला रेड वाला, दो रास्ते हैं, एक तरीके से ए और बी के बीच दो वायर लगे हुए हैं, अगर मैं देखूं ए और बी के बीच ये वाला वायर जो रेड वाला है, ये वायर ए और बी के बीच, ग्रीन वाला वायर अगर नीचे वाला देखता हूं, ये भी ए और बी के बीच सेम पॉइंट आ गए, पोटेंशियल सेम है, यानी कि इसका मतलब ये दोनों वायर पैरेलल में है, लेकिन इस जो मैंने रेड वाला जो मैंने पाथ चुना है, इसमें जो ये दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, क्या ये सीरीज है क्या ये पैरेलल है, ये सोचिए, यहां से यहां सीरीज, अरे एक ही तो करंट जाएगा ना, ये है सीरीज में, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा सीधे सीधे, कितना हो गया, यहां पर ए है यहां पर बी है, ऊपर वाले रास्ते में कितना रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर मींस टू आर, और नीचे जो रास्ता है वो कितना था, उसका रेजिस्टेंस सिर्फ आर। अब देखिए इससे ये बन गया, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 1 अपॉन आर ए बी, ए और बी के क्रॉस निकाल रहा हूं 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2, एलसीएम क्या आएगा 2R, 2 प्लस 1 3, तो आर ए बी भैया मेरे कितना आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 अपॉन 3 इनटू आर, साथ में यूनिट आ जाएगी ओम। फिर से जब भी इस तरीके का वायर आए आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है, सिर्फ वहां पर ध्यान रखो ए और बी के क्रॉस जाने के कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ए से बी जाने का ये है, एक रास्ता ए से बी जाने का ये वाला है, इसका मतलब दो वायर लगेंगे पैरेलल में, पैरेलल क्यों, क्योंकि ए और बी के सेम पॉइंट के बीच है, पोटेंशियल सेम होगा, तो इनको देखा मैंने जब यहां दो रेजिस्टेंस है, क्या है पैरेलल है, नहीं नहीं ये तो सीरीज है भैया, सीरीज में जोड़ लिए, तो 2R हो गया R + R 2R, ये R था ही, दोनों को पैरेलल जोड़ा, सिंपल आंसर आ गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, कई बार आता है ये, फोर्थ जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसको समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसे देखते कहते हैं अरे है क्वेश्चन सीरीज 3R, लेकिन गलत गलत, सोचिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है पिछली स्लाइड में कि कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, अगर आप देखो यहां रेजिस्टेंस 3 है 1 2 3, ये क्या है, कई रेजिस्टेंस है ना, कई बल्ब है, कुछ नहीं है, क्या है ये कनेक्टिंग वायर, पोटेंशियल सेम रहेगा। देखिए यहां पे अगर वोल्टेज ए है तो यहां 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 भी वोल्टेज ए रहेगा, यहां 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 कनेक्टिंग वायर में वोल्टेज क्या रहेगा पूरे रास्ते, यहां भी वोल्टेज ए रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है ओके।
यहां अगर पोटेंशियल बी है तो यहां 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 पोटेंशियल बी रहेगा, यहां 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 हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, तो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, बी रहेगा और कहीं तो नहीं है कुछ। देखो पहले के क्रॉस ए बी, दूसरा बी ए, तीसरा, ठीक है हो गया। कैसे देखिए, पहला वाला ये वायर किस किस के क्रॉस लगा हुआ है, ए और बी के बीच, यानी यहां पे एक जगह वोल्टेज ए है, दूसरी जगह वोल्टेज बी है, पहले वायर के क्रॉस, खत्म कर दो इसको। फिर देखिए दूसरा वायर, ये वाला किसके क्रॉस लगा है, एक तरफ बी एक तरफ ए, एक तरफ बी एक तरफ ए, यानी इस तरीके से कहीं कुछ है ये वायर, दूसरा वाला, खत्म कर दो इसको भी। तीसरा ये वाला वायर, एक तरफ बी एक तरफ ए, ए और बी के बीच लगा हुआ है ये भी, तीसरा वायर। अब ये तीनों वायर कैसे हैं पैरेलल, ये तीनों वायर पैरेलल में हो गए। पैरेलल में तुमको फॉर्मूला पता है, सबका रेजिस्टेंस आर 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 है, तो 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3। तो ये सेम पिछला क्वेश्चन हो गया है, पिछले से पिछला आर ए बी क्या आ गया, आर बाय 3 ओम, यूनिट लिख दोगे, यूनिट आप लिख दोगे, ठीक। फिर से कनेक्टिंग वायर है तो वोल्टेज जो यहां पे है, ए वोल्टेज है, तो वही वोल्टेज कनेक्टिंग वायर पे रहेगा, चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा ए। यहां बी है तो कनेक्टिंग वायर बी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस से चेंज हो गया, फिर ये बी 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 बी, ये वाला किसके क्रॉस है, ए और बी के क्रॉस, बना दिया मैंने ब्लू से। ग्रीन वाला मैंने दिया ए और बी के क्रॉस, बना दिया ए और बी के क्रॉस। ब्लैक वाला ए और बी के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस, तीनों कैसे दिख रहे हैं, अरे पैरेलल है तो पैरेलल है, खत्म। पांचवा एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फिर से रेजिस्टेंस के बीच निकालना है मुझको ए और बी के बीच। पांचवे वाले क्वेश्चन देखेंगे बड़े ध्यान से, ए और बी के बीच। अब फिर वही ए और बी के बीच दिखे रास्ता, एक तो मुझको सीधे सीधे दिख रहा है ए से बी जाने का ये रास्ता, क्योंकि ये ए ये बी, एक रास्ता मुझको ऐसा दिख रहा है कि भैया ये रास्ते चले जाओ ऊपर वाले रास्ते ए से बी जाने का, और एक रास्ता मुझको दिख रहा है ए से बी जाने के लिए ये वाला। तो ए से बी जाना है, देखो ये जो ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लू वाला पाथ है, इसमें कितने रेजिस्टेंस है भाई साहब, दो हैं। दोनों कैसे हैं, ये दोनों सेम पानी सेम करंट सीरीज में हैं ये दोनों। अच्छा ग्रीन वाले रास्ते में कितने रेजिस्टेंस हैं भैया, ग्रीन वाले रास्ते में भी दो रेजिस्टेंस हैं, कैसे हैं ये, फिर से सीरीज में ही हैं। और रेड वाले में तो एक ही है, उसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ए और बी के बीच जो ब्लू वाला पाथ गया, उसमें रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर आर सीरीज में, आर प्लस आर टू आर, तो इस तरीके से बना ए इधर बी, कितना हो गया ये रास्ते से रेजिस्टेंस, तो आंसर है टू आर। रेड वाले रास्ते में कितना रेजिस्टेंस रहा भैया, ए की रेजिस्टेंस वायर है तो रेजिस्टेंस आर ही रहा, ठीक। और ग्रीन वाले रास्ते में फिर से रास्ते में दो रेजिस्टेंस है, कितना हो गया सीरीज में है आर आर टू आर हो गया। अब फिर वही देखिए ए बी के क्रॉस ये तीनों वायर कैसे हैं, सीरीज में पैरेलल में, भैया सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट मींस पैरेलल, निकाल दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल गणित, साधारण गणित है ये, फॉर्मूला 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3, आर 1 आर 2 आर 3 कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एलसीएम क्या आएगा, अब तो साधारण साधारण सा गणित है, एलसीएम आ गया 2r, 1 प्लस 2 प्लस 1 मींस 4 अपॉन 2, भाई 2r एलसीएम आया, 2r 2r 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 1 1 4 4 अपॉन 2r क्रॉस मल्टीप्लाई आर ए बी कितना आ गया 2r अपॉन 4, तो क्या हो गया आर ए बी, आर ए बी की वैल्यू हो गई आर अपॉन टू ओम, आर अपॉन टू ओम। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। साथ में क्या कर सकता है, बैटरी लगा सकता है साथ में, बैटरी लगा देगा 12 वोल्ट की, कहेगा बताओ करंट कितना है, पहले आप निकालो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बैटरी लगा दी 12 वोल्ट की, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सिंगल वायर लगता है हमेशा एक वायर के अक्रॉस, तो पूरे को पहले एक वायर बनाओ, यानी कि एक रेजिस्टेंस निकालो पूरे का, पहले इक्विवेलेंट निकालो, उसके बाद उसमें ओम्स लॉ लगाओ करंट निकालने के लिए। कहेगा करंट कितना जा रहा है, भैया पहले इसको सबको एक करो, वोल्टेज दे रखी होगी, करंट निकाल दोगे V इक्वल टू IR से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है किसी नीडी पर्सन को आप इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।